हेलो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि अपने बालों से प्यार करना हर लड़की की पहली चाहत होती है। लंबे खूबसूरत घने बाल हर लड़की की चाहत होती है, मेरी तो है, आई एम श्योर कि आपकी भी होगी। अपने बालों को हमेशा स्ट्रेट रखना, घने रखना, चमकदार बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट जितना की खाना और सांस लेना होता है। इसीलिए हम जब भी अपने बालों को स्ट्रेट करने के बारे में सोचते हैं तो या तो हम पार्लर जाकर स्ट्रेटनिंग का अपॉइंटमेंट लेते हैं या फिर बाजार से कोई हेयर स्ट्रेटनर खरीद कर ले आते हैं और घर पर ही स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाजार में और यदि हम घर पर अगर बिना सही जानकारी के स्ट्रेटनिंग ना करें तो हमारे खूबसूरत बाल एक झाड़ू की तरह से बर्बाद हो जाते हैं। हमारे बाल झड़ने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं और दिखने में काफी ज्यादा अनहेल्दी लगने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप हेयर स्ट्रेटनर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। टिप नंबर 1, अगर आप हेयर स्ट्रेटनर बाजार से खरीद रहे हैं तो सबसे अच्छे हेयर स्ट्रेटनर को और सबसे अच्छे क्वालिटी के हेयर स्ट्रेटनर को ही प्रयोग करें। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी के हेयर स्ट्रेटनर होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन लगा होता है जो कि बालों को हीट तो देता है लेकिन उन्हें जलाता नहीं है और उन्हें डैमेज भी नहीं करता है। इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही हेयर स्ट्रेटनर खरीदें। हो सकता है कि थोड़ा सा महंगा हो लेकिन आपके बालों को लंबे समय तक सुंदर बनाने के लिए ये ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। टिप नंबर 2, अगर आप स्ट्रेटनर बाजार से खरीद कर ला रही हैं तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने वाले बटन का होना और अपने आप मशीन के बंद होने वाला बटन का होना भी बहुत जरूरी है, जिसे ऑटोमेटिक शट ऑफ कहते हैं। ये यूजुअली हम मशीन्स के अंदर या फिर आयरन के अंदर देखते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेटनर खरीद रही हैं तो उसके अंदर भी ये बटन होना चाहिए ताकि आपने जो तापमान सेट किया है मशीन के अंदर, जब वो तापमान पहुंच जाए तो मशीन अपने आप ही बंद हो जाए। ऐसा करने से वो ओवरलोड नहीं होगी और आपके बालों को जलाएगी भी नहीं। टिप नंबर 3, अपने बालों को स्ट्रेट करने से पहले उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करना और कंडीशनर लगा के दोबारा से वॉश करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बालों में जमा गंदगी हट जाती है और बाल काफी हद तक स्मूथ हो जाते हैं। जब बाल स्मूथ होंगे तो आपको आयरन करने में इनमें काफी ज्यादा आसानी होगी। टिप नंबर 4, बालों के अंदर स्ट्रेटनर का यूज करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों को अच्छे तरीके से सुखा लें, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो उसमें स्ट्रेटनिंग करने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और बाल कभी भी गीले होते हैं तो उन्हें स्ट्रेटनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल गीले हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से सुखा लीजिए। जब आपके बाल पूरे तरीके से ड्राई हो जाए यानी कि सूख जाए उसके बाद ही स्ट्रेटनर का प्रयोग करें। टिप नंबर 5, अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए कभी भी अपने बालों को एक साथ स्ट्रेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जी हाँ, ऐसा करने से बाल ठीक तरीके से स्ट्रेट भी नहीं हो पाते हैं और बाल डैमेज भी काफी ज्यादा होते हैं। अगर आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना है तो अपने बालों को जिस तरीके से बच्चे स्कूल जाते समय छुट्टियां बनाते हैं, पोनीटेल्स बनाते हैं दो भागों में डिवाइड करके, ठीक उसी तरीके से अपने बालों को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। आधे इस तरफ रखिए और आधे इस तरफ, और उसके बाद उन दो भागों को भी 3-4 भागों के अंदर डिवाइड कर लीजिए और क्लिप लगा लीजिए। ऐसा करने से बाल एक साथ मिक्स नहीं होंगे और आप एक एक सेक्शन को आराम से स्ट्रेट कर सकती हैं। टिप नंबर 6, बालों को स्ट्रेट करने के लिए सही टेम्परेचर का पता होना भी जरूरी है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और बहुत ज्यादा हल्के हैं, अपने मशीन के तापमान को सबसे लो रखिए, क्योंकि ऐसा करने से बालों की स्ट्रेटनिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी और बाल जलेंगे भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके बाल मोटे हैं और काफी भारी भी हैं तो आप हाई सेटिंग चुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज के बाद आप घर पर ही हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ सावधानियों पर ध्यान दें ताकि आपके बाल सुपर स्मूथ बने, अच्छे दिखे और आप हर पार्टी की जान बन जाए। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।